माया छोड़न सब कहें, माया छोड़ी न जाए, छोड़न की जो बात करे बहुत तमाचा खाए। छोड़ने की बात वैसी ही है जैसे आधी रात कहे कि मुझे अपनी काली माँ छोड़ देनी है। पाए बिना छोड़ने का ख्याल वैसा ही है कि जैसे रात कहे कि सूरज ना आए, क्योंकि सूरज मुझे घबराता है, सूरज सताता है, सूरज दुश्मन है मेरा। सूरज ना आए पर मेरी कालिख साफ हो जाए। रात कुछ होती ही नहीं, सूरज का अभाव ही रात है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे को आप छोड़ कैसे दोगे जब वो कुछ है ही नहीं? अहंकार को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि अहंकार अपने आप में भ्रम है। जब वो है ही नहीं तो उसे छोड़ने का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? लेकिन हम लगातार यही बात करते रहते हैं, ड्रॉपिंग द ईगो। ड्रॉपिंग वॉट? एक और तो कहते हो ईगो इज एन इल्यूजन, फिर कहते हो ड्रॉप इट। अरे कुछ होगा तो ना छोड़ेंगे, जब है ही नहीं तो छोड़ें क्या? तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं होती कि अहंकार को छोड़ दो, लेकिन अपने आसपास आपको यही सब बातें सुनाई देंगी, अहंकार को छोड़ो, ये करो। किसको छोड़ें जो है ही नहीं? छोड़ा नहीं जाता, पाया जाता है। जो है ही, जो स्वभाव है, जो असली है, वास्तविक है, उसको पा लिया जाता है। जब उसको पा लिया जाता है फिर छोड़ने जैसी कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। जो पाने योग्य था वो मिल गया, अब छोड़ने का कोई ख्याल ही नहीं है सामने। और जो छोड़ने वाला है वो छोड़ कैसे देगा बिना पाए? छोड़ने की शक्ति कहां से आएगी? छोड़ने की नियत भी कैसे बनेगी जब तक पाया नहीं? कभी सोचा है आपने क्यों आप पकड़े हुए हो बेवकूफियों को? दुनिया आकर के बता रही है बेवकूफी है, बेवकूफी है, बेवकूफी है, पर आप उनको दोहराते जाते हो, दोहराते जाते हो। क्यों? क्योंकि जो असली है वो पाया नहीं है, तो नकली से चिपटे बैठे हो। नकली को छोड़ना संभव नहीं है बिना असली को पाए। पहले असली को पाया जाता है फिर नकली छूटता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब नकली छूटता है तो असली अपने पूरे तेज के साथ प्रकट होता है, लेकिन ये भी भूलिएगा मत कि नकली को भी छोड़ने की शक्ति असली ही देता है। उसकी मदद के बिना तुम उसकी ओर भी कदम नहीं बढ़ा सकते। तुम कहो कि उसकी ओर भी अपने बढ़ाए कदमों से पहुंच जाओगे तो गलत बात है। तो ये ना कहो कि मैं तेरी ओर कदम बढ़ा रहा हूं, कहो कि तू शक्ति दे कि तेरी ओर कदम बढ़ाऊं, क्योंकि उसी की दी हुई शक्ति से उसकी ओर कदम बढ़ सकता है। असली से ही तुम असली की ओर बढ़ सकते हो। इसी को उपनिषद कहते हैं कि पूर्णता से ही पूर्णता निकलती है, और कहीं से पूर्णता आ ही नहीं सकती। मात्र पूर्ण से ही पूर्ण निकल सकता है, मात्र सत्य से ही सत्य निकल सकता है। कोई ये ना सोचे कि असत्य को हटा दिया तो जो बचा सो सत्य है, ये पागलपन की बात है। सत्य कोई असत्य का द्वैत विपरीत थोड़े ही है कि असत्य हटा तो जो बचा वो सत्य है। सत्य तो आधार है, वो शेष रह जाने वाली चीज नहीं है, वो तो निशेष है। पर अक्सर आप इस तरह की बातें सुनोगे कि जो नकली है उसको हटा दो तो जो बचेगा वो असली है। नहीं, ऐसा नहीं है। नकली को पहली बात तो हटा नहीं पाओगे, दूसरी बात जो असली है वो नकली के हटाने पर नहीं आता, वो नकली का भी आधार है। चीज तो मैंने एक्सपीरियंस भी करी है कि नकली को निरंतर हम हटाने का प्रयास करते हैं, उसे फाइट मारते हैं तो वो असली बन जाता है। कोशिश ही मत करिए कि जो सड़ा गला है उसको हटाएं। आपके हटाए हटेगा नहीं, आप हटा सकते होते तो कब का हट गया होता, देखा नहीं है? पर वही है ना,
कि 100 बार लात खाते हैं पर फिर खड़े हो जाते हैं कि एक बार और पढ़ाए। दाद देनी पड़ेगी हमारी, सहन शक्ति हमारी गजब है। एक है किसी का कि 100 जूते खा खा के तमाशा देखो, और तमाशा भी एक ही जूते खा, 100 100 जूते खाएं तमाशा हंस हंस देखें, और तमाशा भी एक ही जूते खाए। तुम मुक्त हो सकते हैं तो कब के हो नहीं गए होते, या चाहते हो तुम कि बंधनों में पड़े रहो? चाहते हो तो सब मुक्ति हैं, हो कोई नहीं रहा, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे करे होगा नहीं, तुम मुक्ति का प्रयास छोड़ो, नहीं बहुत तमाचा खाओगे। जो छोड़न की बात करे बहुत तमाचा खाए। तुम पाने की बात करो, वो जो पूर्ण है, और ये भक्ति की भाषा है कि वो जो पूर्ण है, जो सामने है, किसी तरह उसको पालूं, किसी तरह उससे एक हो जाऊं। तुम कहते हो ये छोड़ना है वो छोड़ना है, जीवन में ईर्ष्या बहुत है, ईर्ष्या हटानी है, जलसी हटानी है, हटेगी ही नहीं, वो हटती है प्रेम से। तुम उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो बिना प्रेम को लाए, प्रेम को तुम लाना नहीं चाहते क्योंकि प्रेम से अहंकार टूटता है, तो तुम चाहते हो कि अहंकार भी ना टूटे और ईर्ष्या चली भी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन में डर बहुत है, तनाव बहुत है, अब तुम डर को और तनाव को हटाने की कोशिश कर रहे हो बिना श्रद्धा को लाए, और कैसे हट जाएगा तनाव और डर जब तक श्रद्धा नहीं है जीवन में? द ओनली आंसर टू फियर इज फेथ। पर नहीं, श्रद्धा नहीं चाहिए, डर हट जाए, महाराज कोई नुस्खा दीजिएगा डर हट जाए। अब महाराज में ही श्रद्धा नहीं है तो महाराज का नुस्खा काम आ जाएगा? जो छोड़न की बात करे बहुत तमाचा खाए। कोई आए आपके पास बात करे, जीवन में ये कमी है वो कमी है, जीवन में ये फलानी आदतें हैं जो डेरा डाल के बैठ गई हैं, बहुत बेवकूफ हूं, ऐसा है वैसा है, 70 बातें, ये मत देखिए कि क्या है जो उसने इकट्ठा कर रखा है गंदगी, ये देखिए कि क्या है जो दस्तक दे रहा है पर उसको प्रवेश नहीं देता, क्या है जिसकी कमी है। वो जब आ जाएगा तो सब हट जाएगा। जब सूरज नहीं होता तो 1000 तरीके की परछाइयां होती हैं, भ्रम देखा है कभी? रात में आप जाइए वो लैंप पोस्ट पे, वो हल्का सा पतला सा एक बल्ब जल रहा होगा और उससे जो परछाइयां बन रही होंगी उनमें कोई भूत जैसी लगेगी, कोई कुछ जैसा लगेगा, अजीब अजीब आकार दिखाई देंगे रात में, देखा है? अब आप इन आकारों से कब तक लड़ते रहोगे? रात में तो चारों तरफ भूत प्रेत ही डोलते नजर आते हैं, कब तक आप इनसे लड़ते रहोगे? और किस किस से अलग अलग जा करके लड़ोगे कि अभी मैंने खंभे की परछाई काट दी, अब जाके पेड़ की परछाई काट रहा हूं? आपको बस इतना करना है कि सूरज को ले आना है, छोड़ने की बात नहीं करिए, लाने की बात करिए, पाने की बात करिए। सूरज आ गया, ये सब इधर उधर जो फालतू भ्रामक आकृतियां दिखाई दे रही हैं अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। नहीं, सूरज नहीं चाहिए, वो बात मत कर देना, क्योंकि हम वैम्पायर हैं, वो आ गया तो हम ही नहीं बचेंगे। क्या पढ़ाते हो बच्चों को, जो चढ़ते रहे जिंदगी भर मोम की सीढ़ियों पर? क्या है? मिलेगा सूरज तुम्हें जिंदगी भर जो चढ़ते रहे मोम की सीढ़ियों पर। तो जिन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा घर ही
मोम के आधारों पर खड़ा करा है, वो तो सूरज से डरेंगे ही। सूरज आ गया तो मेरे घर का क्या होगा, सारी सीढ़ियां बुनियाद ही पिघल जाएगी। यही दिक्कत है। पर एक बात पक्की समझो, सूरज के आने से जो कुछ भी हटता है ये पक्का है कि वो, तो उसे जाने दो ना। कितना समझाया जाए, सच के आने से अगर कुछ हट रहा है तो वो क्या था, वो झूठ ही तो था। उसे जाने दो, उससे क्यों मोह बांधे बैठे हो।